आगरा के जिला मुख्यालय नामांकन के पांचवें दिन रालौत के आगरा ग्रामीण से प्रत्याशी महेश जाटव और खेरागढ़ से प्रत्याशी ईदान सिंह ने जिला मुख्यालय पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सपा नेता भी मौजूद रहे। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत के दावे करते हुए क्षेत्र की समस्याओं को बताते हुए उन्हें दूर करने की बात कही। देखिए, आज खेरागढ़ विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी ठाकुर रोहतान सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया है और जिस तरीके से हम लोग खेरागढ़ विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ठाकुर रोहतान सिंह भारी मतों से चुनाव खेरागढ़ विधानसभा से जीतेंगे। आज मैं नामांकन करने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय चौधरी जयंत जी व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी के रूप में भेजा है। राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या समस्या देखते क्षेत्र में, क्या मुद्दे रहेंगे? मैंने खेराड़ विधानसभा के अंतर्गत जो देखा है, वहाँ सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं की बहुत समस्या है और वहाँ पानी की भी बहुत समस्या है। विकास के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारी किसी से फाइट नहीं है और निश्चित तौर पर जनता हमें इतना आशीर्वाद दे रही है कि 10 फरवरी को जनता हमें निश्चित तौर पर जिताने का काम करेगी। आशीर्वाद हमें दे रही है जनता। और यहाँ वो भारी मतों से जीतेंगे। अभी तक जब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो पानी की त्राय त्राय खेरागढ़ में होती थी, चेक डैम बनवाने का काम ये राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहाँ किया था। अभी तक किसी ने चेक डैम पानी की समस्या नहीं थी। आज हम ठाकुर रोहतान सिंह जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। ये सबसे पहले पानी की समस्या, जो नहरों के टेलों पर पानी नहीं पहुँचता है, किसानों को पानी देने का काम रोहतान सिंह करेंगे। यहाँ इस समय ट्यूबवेल को, जो किसान ट्यूबवेल पर रात दिन वो करते हैं और जो 10 घंटे की लाइट कर दी गई है, किसान बुरी तरह से परेशान है। हम लोगों की सरकार आएगी तो ट्यूबवेलों को पूरा भरपूर, किसान को पूरा पानी मिलेगा और 24 घंटे ट्यूबवेलों के लिए पानी दिया जाएगा। देखिए, हमारे मुद्दे ये रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में 5 साल के अंदर विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ, प्रदेश में भी काम नहीं किया, मगर विधानसभा की बहुत ही बुरी हालत है। हमारी जो पूर्व विधायिका थी वो कभी क्षेत्र में निकली नहीं। आज देखिए, धनौली गांव के अंदर बहुत बुरी ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा विकराल रूप है। पानी की जल भराव की समस्या है, वहाँ पर नाला निर्माण कराया जाएगा। श्यामो गाँव में, चमरौली गाँव, वहाँ पर भी पानी भराव की समस्या है। और हमारे मेन मुद्दे रहेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों का उद्धार।